हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम यूपीएसआई तथा यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 4 वीडियोज आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम पिछले 6 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं। और हमारा आपसे वादा है, अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपके एग्जाम के 90-95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं आपको इसी सीरीज से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्शन पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखी गई है कुणाल बसु के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि होम इन द वर्ल्ड नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो होम इन द वर्ल्ड नाम की जो पुस्तक है ये अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। अमर्त्य सेन जो कि पहले भारतीय हैं जिनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो भारत में पहली बार 1 अगस्त 2021 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 2019 में ट्रिपल तलाक कानून पास हुआ था जो कि महिलाओं के अधिकार की बात करता है, इसीलिए 1 अगस्त 2021 को पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स मास्टर स्वर्ण पदक विजेता मान कौर का हाल ही में 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको बताना है कि मान कौर किस राज्य से थी। तो मान कौर जिनका 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है ये चंडीगढ़ राज्य से थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेखा महानियंत्रक जिसे हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं दीपक दास, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो दीपक दास हैं ये बने हैं लेखा महानियंत्रक, जबकि वर्तमान में भारत के नियंत्रक यो महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक यो महालेखा परीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की अगस्त महीने की जो अध्यक्षता थी, प्रेसिडेंसी थी, ये किस देश के पास थी। तो अगस्त 2021 की जो प्रेसिडेंसी है ये भारत के पास थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जिसे हम कॉमिक की दुनिया का ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं ये किसे दिया गया है। तो भारत के ग्राफिक कलाकार डिजाइनर हैं आनंद राधा कृष्णन भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, जिसे कॉमिक्स इंडस्ट्री का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2021 को किस रूप में मनाया है। तो भारत ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को मनाया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक योजना का अनाउंसमेंट किया है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो कि 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट सैनिकों के लिए एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान शुरू किया है। इसके लिए आपको बताना है कि भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो ऑनर फर्स्ट नाम का एक खाता खोलने के लिए भारतीय नौसेना ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। IDFC फर्स्ट बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन है, एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है भारत के पूर्व मंत्री केजे अल्फोंस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो केजे अल्फोंस हैं ये भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल में कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो जो टोक्यो पैरालंपिक खेल थे इसमें भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी गए थे? तो भारत की तरफ से 54 पैरा खिलाड़ी तथा 9 खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं जो कि रिलेटेड है टोक्यो पैरालंपिक से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरालंपिक किसे कहते हैं। पैरालंपिक उन खेलों को कहते हैं जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। 2020 का जो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता है चीन ने। भारत ने टोटल 19 मेडल जीता है और भारत की रैंकिंग है 24, जिसमें 19 में से 5 गोल्ड मेडल हैं, 8 कांस्य मेडल रजत मेडल हैं तथा 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये 5 जो गोल्ड मेडल हैं ये किसके द्वारा जीते गए हैं और वह किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल लिख रखी है। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में जो 5 खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता उनके नाम इस प्रकार से हैं, कृष्णा नागर तथा प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में, अवनी लेखरा तथा मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में, सुमित अंतल ने भाला फेंक में। इसके अलावा एक खिलाड़ी का नाम और आपको याद रखना है, एक खिलाड़ी है जिनका नाम है सुभाष एथिराज जिन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। यह एक IAS अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में नोएडा उत्तर प्रदेश के DM भी हैं। तो ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो टोक्यो पैरालंपिक खेल थे इसमें ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक थे टेक चंद, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी अवनी लेखरा। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पैरालंपिक्स खेल हैं इनका जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ पैरालंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता है लुडविन गुटमैन को। जो पैरालंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत होती 1960 में, जबकि जो नॉर्मल खेल हैं इनकी शुरुआत होती है 1896 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने COVID-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो मिशन वात्सल्य नाम की जो योजना है ये शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, जिसका उद्देश्य है COVID-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। आपको बताना है जो पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान स्टेडियम है इसका अब नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अब इसका नया नाम बदल कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। इन्होंने भाला फेंका था 87.58 मीटर की दूरी पे, ये डिस्टेंस आपको याद रखनी है। नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा राज्य से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रृंखला BH सीरीज हाल ही में चर्चा में रही है, आपको बताना है BH सीरीज का संबंध किससे है? तो BH सीरीज जो कि वाहनों के लिए एक पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन सीरीज है, आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये भारत सीरीज यानी कि BH सीरीज नाम की एक नई रजिस्ट्रेशन प्लेट शुरू की गई है जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरालंपिक्स 2020 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? तो अवनी लेखरा जो कि जयपुर राजस्थान से हैं इन्होंने पैरालंपिक्स 2020 में 2 मेडल जीता,
स्वर्ण पदक तथा कांस्य पदक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इन्होंने दो प्रतियोगिताओं के अंतर्गत कौन कौन सी, 10 मीटर एयर राइफल में तथा 50 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जबकि 50 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार से अवनी लेखरा भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में एक साथ दो मेडल जीता। अगला क्वेश्चन, देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू किया है। तो देश के मेंटर्स जो कार्यक्रम है ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जिसके लिए दिल्ली सरकार ने एक्टर सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बारे में मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल लिख रखा है कि देश का मेंटर्स कार्यक्रम जो है क्या है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश के मेंटर्स कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। सिर्फ दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसी बैंक के एमडी तथा सीईओ के पद पर फिर से किसे नियुक्त किया गया है। तो आईसीआईसी बैंक के एमडी तथा सीईओ के पद पर फिर से नियुक्त किया गया है संदीप बख्शी को। आईसीआईसी बैंक जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक के बाद। आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। साथ ही साथ आपको दो अन्य नियुक्तियां याद रखना जो कि बैंक से रिलेटेड हैं, जैसे कि एचएसबीसी इंडिया के नए सीईओ बने हितेंद्र दवे जबकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ बने हैं कैरल फर्टाडो। अब यहां से क्वेश्चन याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो एचएसबीसी बैंक है जिसका फुल फॉर्म है हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसका राइट आंसर करते हैं या तो हांगकांग या तो संघाई, जो कि दोनों गलत हैं। जो हांगकांग संघाई बैंकिंग कारपोरेशन है इसका मुख्यालय है लंदन में। अगला क्वेश्चन है, काजिंद नाम का जो हाल ही में पांचवा एक्सरसाइज भारत के द्वारा कंडक्ट किया गया है, ये काजिंद नाम का जो एक्सरसाइज है भारत किस देश के साथ कंडक्ट करता है। तो काजिंद नाम का जो एक्सरसाइज है भारत कजाकिस्तान देश के साथ आयोजित करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, कजाकिस्तान देश जो कि मध्य एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। यहाँ पर बात की गई है संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो आपको कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम याद रखना जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे भारत खंजर नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है किर्गिस्तान देश के साथ। भारत जापान के साथ टोटल चार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, कौन कौन सी, सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, धर्मा गार्जियन तथा मालाबार एक्सरसाइज। ये जो चार मिलिट्री एक्सरसाइज हैं भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। यहाँ पर जो मालाबार एक्सरसाइज है इसमें टोटल चार देश पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका। इसी प्रकार से भारत अमेरिका के साथ भी चार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, कौन कौन सी, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रैम तथा मालाबार एक्सरसाइज। भारत मालदीव के साथ इक्वेरियन नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। भारत मंगोलिया देश के साथ नोमेडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। भारत बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। भारत यूएई देश के साथ डेजर्ट ईगल नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े तथा सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया गया है, इसको शुरू किया गया है दुबई शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये ऑब्जर्वेशन व्हील क्या है, यह एक प्रकार का झूला है जो कि दुबई शहर में खोला गया है जिसका नाम है एन दुबई, जिसकी ऊंचाई है 250 मीटर। जो दुबई शहर है ये यूएई देश का एक शहर है और यूएई देश की राजधानी है अबू धाबी, यूएई देश की मुद्रा है दिरहम।
तो ये था हमारा कंप्लीट पांचवा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी UPSI या UP लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी मैं जिस रेशियो में मेहनत कर रहा हूँ उस रेशियो में हमारे अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर हमारा वीडियो शेयर करेंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।